हम लोग ये बार बार कहते रहते हैं कि ये इंसान बहुत ही खुशकिस्मत वाला है, इसकी बहुत अच्छी किस्मत है, ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, किस्मत के साथ आया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो कौन सी चार चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान एक खुशकिस्मत हो जाता है? क्या वो धन है, क्या वो दौलत है, क्या वो पैसा है, क्या वो रुतबा है? अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहो और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। पहली यहां पर चीज है कि जिस इंसान के पास दिमाग वाली पत्नी या दिमाग वाली गर्लफ्रेंड होती है वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत होता है। गर्लफ्रेंड मैंने जोड़ा है, वैसे उन्होंने पत्नी के लिए कहा था लेकिन गर्लफ्रेंड होना है भाई आजकल तो नॉर्मल है, तो ठीक है हमने वो भी जोड़ दिया। अगर आपका पार्टनर समझदार है, संस्कारी है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो, लेकिन अगर नहीं वो सिर्फ खूबसूरत है तो नहीं जी नहीं, काम नहीं बनेगा। सुंदरता का यहां पर कोई खास लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी खूबसूरत है, आपकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है तो आप किस्मत वाले हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। खूबसूरती भला आपको क्या दे सकती है? लोग आपकी तारीफ कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा वो 2-4 घंटे के लिए, लेकिन बाकी का क्या? बाकी आप पछताते ही रहोगे। तो याद रखना कि खूबसूरती बाद में, दिमाग पहले। दूसरा यहाँ पर है कि जिन माता पिता के पुत्र व पुत्री उनके बच्चे समझदार होते हैं, संस्कारी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, वो यहाँ पर रहते रहते स्वर्ग का अनुभव कर लेते हैं। वो माँ बाप बहुत किस्मत वाले होते हैं जो कि अपने बच्चों को सिर्फ आंख भर दिखा देते हैं और उनके बच्चों को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है। जिनके बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं वो माँ बाप बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ही हो, अगर आपके बच्चे समझदार हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तीसरा यहाँ पर है कि जिन लोगों के दोस्त अच्छे व सच्चे होते हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले होते हैं, जो सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी साथ दे, जो सिर्फ आपके पैसे से नहीं बल्कि आपसे भी प्यार करे, यानी कि जो मतलब से ही प्यार ना करें, बेमतलब ही प्यार करे। लेकिन आजकल ऐसी दोस्ती मिलती कहां है? आपके दोस्त आपके साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आपके पास पैसा होता है, आपके पास पावर होती है। जब आप दुख के समय में आते हो तो सभी दोस्त बहानेबाजी करते हैं कि यार मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरी नानी की डेथ हो गई, मुझे यहां जाना है और मुझे वहां जाना है। फोर्थ यहां पर है कि जिस इंसान को अपने माँ बाप के साथ रहने का, वो अपने शहर में और देश में रहने का मौका मिल जाता है, वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले होते हैं। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो कि आपको अपने देश से बाहर जाना पड़े? क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो कि आपके माँ बाप को आपसे दूर कर दे? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। थोड़े पैसे आ जाएंगे, थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा, थोड़ा आप बड़े लोगों से मिल लोगे, लेकिन माँ बाप को भूल जाओ, अच्छा नहीं होता। शहर तो मैं मानता हूं कि छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि शहर छोड़ना पड़ता है, चाहे आप पढ़ाई के लिए छोड़ो, चाहे कमाई के लिए। लेकिन माँ बाप को छोड़ना यहाँ पर भाई ये चीज तो सही नहीं है। कितनी ही बहानेबाजी कर लो, ये चीज सही नहीं होती है कि पैसे के लिए आपने माँ बाप को छोड़ दिया। पैसा तो छोड़ा, अपने पत्नी के लिए छोड़ दिया भाई। पत्नी ने थोड़े कान भर दिए, लो भाई माँ बाप को छोड़ दिया हमने। अगर इतना ही आपको जरूरी है तो अपने माँ बाप को अपने साथ रखो, उनको भी शहर में रखो, लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे हम। हम इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज में रहते हैं, हमारी नाक कट जाएगी। अरे भाई क्या बताऊं इनको अब मैं, जिस माँ बाप ने पैदा किया आज उनकी वजह से आपकी नाक कट रही है। बताओ, जो नाक देने का कारण बने आज वो नाक कटवाने का कारण बनेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक के बिना मत जाया करो यार। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटा तो उस घंटे को दबाना कतई ना भूलना। और एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, बाकी लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं और मैं किस्मत वाला हूँ।